अस्सलामुअलैकुम आदाब। जैसे कि आप जानते हैं कि नई एक्साइज पॉलिसी जम्मू कश्मीर में 31 मार्च 2022 से लागू हो जाएगी और इस एक्साइज पॉलिसी में 49 नई शराब की दुकानें जम्मू कश्मीर में खुल रही, जिसमें 45 शराब की दुकानें जम्मू प्रोविंस में खुल रही। अगर हिसाब लगाया जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 दुकानें खोलेंगे ये लोग। पहले ही हमें इतनी बेरोजगारी है जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क से ज्यादा बेरोजगारी है और यहाँ के बेरोजगार युवाओं को शराब की दुकानें नहीं चाहिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए। ये जम्मू में पहले ही 230 शराब की दुकानें हैं और जम्मू को मंदरू का शहर कहा जाता था पूरे मुल्क में और दुनिया में, मगर अगर बीजेपी ऐसे ही चलते नहीं तो शराब का शहर कहलाएगा जम्मू। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि क्या आपको शराब की दुकान चाहिए? जम्मू में हर 10 मीटर के बाद एक शराब की दुकान है, वही हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ने जाती है, वही हॉस्टल है, वही मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वही कब्रिस्तान है, वही शमशान घाट है और वही शराब की दुकान भी है। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि आप इस तरीके से जम्मू को बर्बाद मत कीजिए। जम्मू के लीडर से कहना चाहता हूं, आप तो शराब के खिलाफ थे, आप ही ने तो असेंबली में शराब को बैन करने के लिए आपने रेजोल्यूशन लाया था, मगर आज आपको क्यों चुप्पी साधे हो? आज आप क्यों खुशियां मना रहे हो? यहां का युवा रोजगार मांगता है, यहां के लोग जो शहरी हैं वो चाहते हैं कि वो इज्जत से अपनी जिंदगी बसर करें। और पोगलपड़िस्तान हमारे गांव में, तहसील पोगलपड़िस्तान उखराल में भी एक शराब की दुकान खोली जा रही है। मैं सारे राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी से कहता हूं कि आप चूज करिए आपको क्या चाहिए। आपके इलाके में हर नुक्कड़ में शराब की दुकान खोली जा रही है तो हम इस एक्साइज पॉलिसी की सख्त मजम्मत करते हैं और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप भी इसके खिलाफ बोलिए कि शराब से क्या फायदे हैं। वो घरों को बर्बाद करती है, हमारे युवाओं को बर्बाद करती है, नशे की लत लगाती है। तो मैं दोनों से गुजारिश करता हूं कि आप इस एक्साइज पॉलिसी को वापस लीजिए, इन शराब की दुकानों को मत खुलने दीजिए। पहले ही जम्मू कश्मीर में जो शराब की दुकान है उनको भी बंद कीजिए। जम्मू कश्मीर में पूरा शराब पे बैन होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। तो मैं आप सबसे कहता हूं कि आप हर प्लेटफॉर्म पे इसके खिलाफ आवाज उठाइए और हम भी आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद। प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।